गाइज वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग में आप सभी का स्वागत। तो गाइज अभी मैं गांव आया हुआ हूँ, जो कि यह है हमारा गांव, इधर देख सकते हो। गांव बहुत ही अच्छा है, एक बार इसकी आपको वीडियो दिखाऊंगा, आपको बहुत ही शानदार है। ऐसा गांव आपने कभी नहीं देखा होगा, क्योंकि ऐसी लोकेशन यहाँ की बहुत ही अच्छी। तो इस वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बनाना रहना। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो गाइस ये है हमारा गांव, यह है हमारा घर। भाई देख लो इसकी स्थिति कैसी है। हमारी माता राम को दिखाएंगे, क्योंकि उसको बहुत दिन हो गए। यह है हमारा पुराना मकान, इधर दो कमरे भी चुन रखे हैं, अब इसका भी काम करवाएंगे। इसमें गुजारी थी हम जिंदगी, है ना रतराम। और ये था हमारा मतलब क्या, किचन, किचन हमारा किचन ये था, इस तरह का हो गया छप्पर। इधर चादर उधर तन रखे थे, उधर ताड़ दिया। अब खाना वाना खाएंगे, फिर खेत पे चलेंगे। नदी सूख गई, कोई दिन तो मतलब चौड़ा गुदड़ियो, कोई दिन मूंग गलार, कोई दिन यार नाश्ता दे दे। बोले वैक्सीन लग रही है कल, तो आज तो गांव आए हुए हैं। जो आज भी लग ले चढ़ के भी लग ले, आज वो झूठ बोल रहे जगह, आज 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 लगेगी, लेकिन कल भी लगेगी। ये पीछे वाला है हमारा खेत, जो कि इधर देख रहे हो, ये बहुत लंबी चौड़ी है, पूरी जमीन हमारी है। हैं गाया तो खाओ ही। बोर खा ले, देखा चेक कर रहे तो राम कल वाले तो नहीं है झाड़ी है। लाल ये रजगा, बतुओ कड़ो उगरे जंड है, बतुओ मैं भी काटूंगा रजगो,
रजू को काटू है अभी तो चल मैं भी काटता हूँ रजू का। राम रज के काट रहे हैं अभी हमारा मुकेश भाई मूली भी उग रही है इधर छोटी छोटी है अभी तो अंजन चल रहा है उधर नदी में जिसकी आवाज आ रही है खट 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 ना आ गए कड़ी चाल हाँ वो अंजन बनाया उन्हें या रुमाल पड़ी ली चल अगर इतना चल ना लेते हैं उधर हाँ नया बनाते सतोनो बेटा भी कौन खड़े से रास्ता टोपा से बाल ही खराब होगा जब पूरा यार कॉल है ना फटाफट कॉल छोड़ दे कहाँ है मच्छी हाँ बहुत हो रही थी इसमें बहुत लंबी लंबी मच्छियाँ कितना ऊपर पानी है इसमें वाह कुआ मच्छी दिखेगी भाई हे तो कमत बावड़िया पानी में तो करे जा ये मोबाइल पड़ जाओ दोबारा नीचे अंदर पड़ जाओ दोबारा भी नुपा चकट पहले चल जाओ जो अंदर मो अंदर से कूद जाओ ना तो मतलब अंदर जा और मिट्टी निकाल ले जो अब देख ला अब क्या है तैरना सीख गए ना तो नदियाँ छोड़ना पड़ जाता है तो अब वही से तो ना है जो इंसान मतलब तैरना सीख जाता है तो नदियाँ छूट जाती है तो वही से तो ना मेरे साथ में हो गया है ना रतरा हाँ तैरना सीख गया जो फिर गया सीख गया कि तू फिर हाँ चल रहा है अभी आवाज़ नहीं आएगी आपको कम आएगी आवाज़ मजा ले रहे तो गाइस उन खजूरों के हम मतलब खजूरें खाते खाने आते थे जो कि इधर है वो सामने दिखाई दे रही है आपको
गाइज ये ब्लॉग क्या है कि बहुत लंबा बनने वाला है मेरा आगे, मतलब एक खेत और है जो कि उधर माल के अंदर है, उसको देखने जाएंगे। तो ये पहले कपड़े वपड़े पहन ले, आपको आवाज़ भी बहुत कम आ रही होगी। तो गाइज ये है हमारी नदी जो कि आप देख सकते हो, यहाँ पर छोटा था तब, मतलब बहुत उदम करता था यहाँ पर, मतलब सुबह आते थे तो इधर मच्छियों को मारते रहते थे, मतलब मच्छी पकड़ने का ज़्यादा शौक़ था मेरा। और एक और था मेरा दोस्त जो कि अब तो ट्रैक्टर वैक्टर चलाने लग गया वो, और मैं उधर जयपुर के अंदर रहने लग गया। फिर क्या, और तैरना भी सीख गया था जो कि इसी के अंदर तैरना सीखा था। और फिर क्या है कि गांव वालों ने थोड़ा डुबो दिया था, इस कारण हमारे को गांव छोड़ना पड़ा। तो डुबोने का कारण आपको मैं बाद में शेयर करूंगा, बाकी आप लोग देखते रहिए कैसे बन रहे हैं कैसे नहीं बन रहे हैं। क्योंकि पता, आपको भी पता है अगर हम गांव के अंदर रहते हैं, कोई मतलब हम बड़ा काम कर देते हैं, अच्छा काम करते रहते हैं, तो यहाँ पर क्या है कि एक दूसरे के जलन पैदा हो जाती है। तो उस कारण से हम क्या है गांव छोड़ना पड़ा था, आपको बताऊँ तो मैं। तो ये थी गाइज जिसमें मैं तैरना सीख गया था, और काफ़ी अच्छा तैरना आता है मेरे को अभी भी, मतलब एक लंबा सारा, मतलब ये नदी है बहुत, मतलब 500 मीटर की है इसकी चौड़ाई, 500 मीटर की से भी मतलब थोड़ी कम ही होगी। इसको पार कर जाता था पहले मैं इधर से, मतलब इधर से तैरता था तो उधर पार हो जाता था, इतना साहस था मेरे में जो कि छोटा था तब, जो हमारे वो है ना रतिराम उसकी जैसा था मैं। और हमारे परिवार की बात की जाए तो हमारा परिवार बहुत ही लंबा चौड़ा है, जो कि मेरे पिताजी है वो, मतलब उनके भाई है सात, तो उनके आप ही मतलब देख सकते हो उनका कितना बड़ा परिवार है। तो उनकी मतलब बताऊंगा आपको, शेयर कराऊंगा कभी व्लॉग में, बने रहो और मेरे साथ। अभी मतलब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हो तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि जो मेरे नए नए व्लॉग है वो काफ़ी अच्छे आने वाले हैं। तो गाइस मेरी प्रॉब्लम तो ये है सबसे ज़्यादा कि मतलब ये वाला मोबाइल है ना, ये मोबाइल की कमी है मेरे पास में काफ़ी, मतलब मोबाइल थोड़ा कम रेंज का है, और मतलब 12-13 हज़ार रुपये तक का है मोबाइल। इसमें क्या है कि 3 32 ही है, इस कारण मैं थोड़ी एडिटिंग करता हूँ तो इसमें क्या है दिक्कत आती है। और जो पिछले वाले मतलब ब्लॉग बनाता था उनको डिलीट करना पड़ता है, इस कारण मुझे बहुत समस्या है। और गाइस आप देख सकते हो यह है हमारी लोकेशन गांव की आपको एक बार दिखाया था आपको शॉर्ट, जो कैसा लगा आपको, अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट ज़रूर करना, लाइक और शेयर ज़रूर करना। और अब देख आगे चलते हैं, और अभी थोड़ी देर बाद में जयपुर निकलने वाले हैं हम। जाटी गोल फटाफट नहाने के बाद में ही कुछ सीन अच्छा लगता है, चेहरा भी अच्छा लगता है, टोपे से ख़राब हो जाती है पूरी। काय कर रहे थे ननानी, लसन की ननानी बतवा तोड़े क्या, बतवा तोड़ लग तो कोई इंतजार से भाई आ जाओ ला दरे तराम दोनों के लिए तोड़ लेते हैं।
आजा मैं सिखा दूंगा, आजा कैसे तोड़ते हैं बतवा। ये सरसों के पेड़ वेयर आर यू चीलवा, हाँ देसी भाषा हम बोलते हैं चीलवा, और जयपुर में बोलते हैं बतवा, और आपके उधर क्या बोलते हैं बतवे को। सरसों का गुंडला क्यों तोड़ना, बतवा तोड़ नहीं हुआ तोड़ मत, सरसों गुंडला तोड़ रही बस बात बराबर है। सरसों का गुंडला का कर लो, सब्जी बना लो। हाँ सरसों की भी सब्जी बनती है बता यार, या ना फूल आना ना तोड़ लिया कहीं। हाँ इधर है ज्यादा, ये है ज्यादा बतवा इधर। ये है मूली के पत्ते, मस्त लगते हैं एकदम। बाल पे कह रहे हैं मस्त लग रहे जी मन तो। ये मूली के पत्ते, ये बतवा तोड़ लिया यार। कौन है, कौन कौन है ये दणा ना, ये मैं रख ला दणा ना, ये मैं रख ला इसमें रख ला। सही है, अब चले तार लगा देता हूँ, ये वाले ये तार लग रही नहीं है यार। ए भाभी का फोन में बैटरी बीतने वाली है, चलना ले जा माने के थे तो मैं ना लेता ही मैं डाकर निकल जाते ना। ओ निकल जाता मैं तो खिलाड़ी जा है ना रतराम। हाँ। तन भी आवाज़न तर बो फटक 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 फटाफट फटक मार जी जाएगा। HD नहीं है तो गाइज हम गांव से यहां पर आ चुके हैं, जो कि निवाई के अंदर यह हाईवे है, इससे आगे एक और हाईवे आएगा। तो यहां पर क्या है कि हम चाय वाय पीने चुका है, जो कि अब यहीं पर हम समाप्त कर रहे हैं। तो गाइज आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।